अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे ये स्नैप्स जूही को देने ही थे। इस बार की विनर जो है, और आप तो जूही की चाची है तो आप चाची माँ कहिए ना प्लीज। ठीक है ठीक है, आप ये स्नैप्स ले जा सकती है। थैंक यू सो मच मैडम। यू आर वेलकम। सिद्धार्थ जी का सेल तो स्विच ऑफ है। हेलो जी, मैं सिद्धार्थ जी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? जी मनु, आंचल दी जो आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा अच्छा, अभी बुलाती हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे लिए फोन है। जी अभी आ रहे। अभी आ रहे। जी माँ। फोन। हेलो सिद्धार्थ जी, नमस्ते, मैं मनु बोल रहा हूँ, आंचल दी का छोटा भाई। अरे हाँ हाँ हाँ, कैसे हैं? एक्चुअली मुझे मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत अच्छे ग्रेड मिले और उसी के लिए आपको थैंक्स कहना था। टाइम पर अगर आप अपने दोस्त को विजिट के लिए नहीं कहते तो शायद मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। इट्स ओके मनु। एनीवेज आपके मम्मी पापा कैसे हैं? जी ठीक हैं। आप कभी आइए ना घर पे प्लीज। हाँ बिल्कुल, जरूर आएंगे। मुझे भी अच्छा लगता है उनसे मिलना, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा नमस्ते कहना उन्हें। नमस्ते। हट हो गई ललिता, इस तरह छुप छुप के किसी की बातें सुनते हैं? अरे उस माचल के भाई का फोन था। तो क्या अब ये भी मैं ही समझाऊं कि हमारे सिद्धार्थ को फंसाने के लिए अब उस माचल का परिवार भी साथ में मिल गया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, सिद्धार्थ बच्चा नहीं है, अपनी फैक्ट्रियों के नाम नहीं कर रहा है वो, समझी? मनु। हाँ मॉम। सिद्धा जी से बात हुई? हाँ, और मैंने थैंक्स भी कह दिया। वो क्या है ना, थोड़ा जिम्मेदार हो गया हूँ। क्यों? क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था? मैंने थैंक्स कहा और उन्होंने कहा इट्स ओके। और भी कुछ कहना चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, और कुछ भी बात नहीं हुई। और हाँ, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टाइम मिलता है तो हमारे घर आएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें इनवाइट किया। क्या जरूरत थी इसकी? मॉम, अभी तो टू मच हो गया ना मॉम, उन्होंने हेल्प की और मैंने इनवाइट कर लिया, वो भी कैजुअली मॉम। मनु क्या हुआ? मॉम को ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरी सिद्धार्थ जी से क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुमने सिद्धार्थ जी को अच्छे से थैंक्स कहा या नहीं। बेकार में बात का पतंगड़ बनाता है। आजा जोकर, ताश खेलें। हाँ चलो।
डैड आओ ना पत्ते खेलते हैं। हाँ पत्ते बांटो। पापा अरे अपनी जूही बिल्कुल पीटी उषा लग रही है देखिए। बहुत खुश है इसमें। हाँ और ये देखिए पापा इसमें एक्सप्रेशन देखिए। वाह हैं कितनी प्यारी लग रही है इसमें। हाँ ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है इसमें। ये क्या सिद्धार्थ भी वहां था? अभी तो क्लाइमेक्स नहीं देखा आपने। देखा आप लोगों ने सिद्धार्थ वहां फंक्शन में गया था, उसने हमें नहीं बताया। देखिए अरे देखिए ना कैसे पैर से पैर जोड़ के दौड़ रहे हैं दोनों। आप मानो या ना मानो मुझे तो यही लगता है कि वो लड़की नकेल डाल रही है सिद्धार्थ की नाक में। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए किसी भी तरह सिद्धार्थ के खिलाफ बोलने के लिए। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा। और फिर जब भैया या आंचल जी से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई कि कौन जूही के स्कूल गया था कौन नहीं, तो वो कैसे बताते? सिद्धार्थ जूही के लिए वहां पहुंच गया इस बात से खुश होने के बजाय इस बात को अलग रंग देने की कोशिश मत करो। हाँ तुम तो सब ठीक हो ना, गलत तो मैं ही हूँ।
सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बात करके अपनी चाहत पूरी कर लो। बोलो। सुदीप कह रहा था कि सचिन का आंचल को टीचर माँ कहना सही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें एक दिन बड़ी उलझने बन जाती है। आज सचिन ने आंचल को माँ कहकर पुकारा है, कल अगर सिद्धार्थ जी को आंचल के साथ कोई लगाव हो गया तो समझ रहे हैं ना आप? आंचल तो इमोशनल है और जया की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। कल अगर सिद्धार्थ ने बच्चों की दुआई देकर आंचल के सामने ऐसा वैसा प्रपोजल रख दिया तो आंचल तो इनकार भी नहीं कर पाएगी। क्या आप आंचल की शादी ऐसे आदमी से होने देना चाहते हैं जो आंचल से उम्र में इतना बड़ा है, जिसके 3-3 बच्चे हैं? उस दिन कह नहीं रही थी कि मुझे मामा जी जैसा ही पति चाहिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए, फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।